और उस पैसे पर लगाने के बाद आपने कुछ गेन किया और उस पर टैक्स दिया। सपोज मान लीजिए कोई 2000 ईस्वी में आपने कोई जमीन खरीदा 4 लाख में, कितना में? 4 लाख। आज वो जमीन मान लीजिए 4,40,000 की, और अगर मान लीजिए आज 2019 में 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है, कितने की? 4 लाख। इसका मतलब जब आपने 40 लाख लाया था इसका टैक्स पे किया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, टैक्स पे किया होगा, बोलो। लेकिन आज 2019 में उसको बेचा आपने कितना में? 4 करोड़। लगाया था आपने 40 लाख और निकाला कितना? पूंजी लगाए थे कितनी आपने और बनाया कितना? इसका मतलब बेटा कि आपने कैपिटल गेन किया, मैंने इससे कैपिटल लगाना गेन किया कि नहीं कुछ? जब आप उसको गेन करोगे तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल गेन टैक्स। अब समझिएगा, डायरेक्ट टैक्स तो हो गया, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डोर टैक्स। अभी आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स जिसको आप लगता आप ही पे है, मतलब जिसको जिसके बर्डन को किसी दूसरे पर सेव किया जा सकता है, किसी दूसरे पर सेव किया जा सकता है। जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, देखते हो आप सिनेमा हॉल सिनेमा देखने जाते हो तो उसमें टैक्स लगता है, लगता किसी और पर है, पे कोई और करता है और भुगतान कोई और जाकर करता है ना। मतलब आप देखिएगा, लगा सिनेमा हॉल पर मतलब वो वाले पर पे किया कि आपने किया और पेमेंट उसने जाके किया, डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो उसमें नहीं हो ना। तो इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, पे आपने ने किया लेकिन इनडायरेक्ट वे, पे आपने ने किया लेकिन इनडायरेक्ट। तो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का रेगुलेटर बॉडी जो होता है उसको बोलते हैं सीबीआईसी। पहले इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले सीबीआईसी का नाम था सीबीईसी। क्या नाम था पहले? सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। लेकिन अब इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। याद रखिएगा, अब इसका नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। और इसके चेयरमैन है एस रमेश। कौन है बेटा? कौन है बेटा? कौन है बेटा? एस रमेश। कौन है बेटा? एस रमेश। याद रखिएगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा रेगुलेट होता है बेटा? सीबीआईसी। और डायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा रेगुलेट होता है? याद रखिएगा, कौन डायरेक्ट टैक्स को कौन? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स को कौन करता है? और दोनों टैक्स किसके अंदर आता है? इंडियन टैक्स एक्ट 1961। अब सिंपल सी बात है बेटा, सीबीआईसी का कौन चेयरमैन है अभी? और सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है अभी? अब है कि सर इनडायरेक्ट टैक्स में आप चर्चा कर लेते हैं तो क्या जाता है, थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में 2 बातों का चर्चा करेंगे, एक कस्टम ड्यूटी और दूसरा जीएसटी का। बहुत बड़ा मुद्दा है बेटा जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। जीएसटी कैसा कर के अंदर आता है? अप्रत्यक्ष कर के अंदर आता है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब सवाल है कि सर जीएसटी आने से, जीएसटी इतना बड़ा टॉपिक है, क्या है जीएसटी? इतना इसका हवा तोता एकदम कुत्ती बोल रहा है कह सकते हो, कि कोई बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि जीएसटी आखिर है क्या। तो समझना, जीएसटी को लाया गया वैट की जगह, किसके जगह? वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी को लाने में आपने देखा होगा 17 साल लग गए, 17 साल का सफर तय करके ये लागू हुआ है। जीएसटी सबसे पहले जो है, सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में इसको लागू किया था। कब किया था? 1954 में। सबसे पहले फ्रांस नाम का एक देश है।